नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस मॉडल पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। वे 35 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर अब की भी नया पार करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ में इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए और मैं अंत तक ये दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। इसलिए आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को याद करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इनको देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर खाली जगह के आकार में बदल जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जब फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो माउस का पॉइंटर वो तीर आकार का था, जो ऐसे एरो के आकार का था, वो एरो के आकार का किस आकार में बदल जाता है, हैंड के आकार में बदल जाता है, सॉरी एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। तो ऑप्शन सी के ऊपर यहाँ पे करेक्ट करना है, पेंट ब्रश यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका हम आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी के ऊपर सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी फ्रेंड्स देखेंगे क्या होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो देखिए आपको याद रखना है, बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन जो ए के ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिप्रेस होती है, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार रिप्रेस होती है। तो प्रति सेकंड कई बार रिप्रेस होने वाली मेमोरी डायनामिक रैम और शॉर्ट में आपको लिखा हुआ मिल सकता है डी रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैम होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, GUI का पूरा नाम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। GUI का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन के सामने, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम्स को होल्ड करने हेतु जो आइकन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बैकग्राउंड में जो होल्ड हो रहे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम ट्रे कहा जाता है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल को अथवा फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। आप जो फाइल डिलीट करते हैं वो डिलीट की गई फाइल आपकी टेम्परेरी रूप से कहां पे रहती है, तो आप याद रखना है रिसाइकल बिन, यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो फाइल का जो स्टोर होता है यानी जो फाइलों को स्टोर किया जाता है वो क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस, बदलती है, तो इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने की जो तकनीक होती है उसे डीएनएस कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर डीएनएस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो एक सर्च इंजन होता है वो वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर होता है, इंडेक्सिंग होता है, सर्चिंग होता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आपको ये इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनको आप रट लीजिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल देता हूँ कि एग्जाम के लिए तहलका मसा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जल्दी से आपको देखना है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इंटरनेट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है,
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपीआई का पूरा नाम बताना है। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूपीआई का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा है जो एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है? तो देखिए SBI बड़ी तो होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग होता है वो किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण होता है? B2B होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो तो B2C का उदाहरण माना जाता है। B2C यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया क्लाउड बेस्ड उदाहरण है, जिसमें आप डेटा ऑनलाइन माध्यम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो बात राज ई वॉल्ट की कर रहा है। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, मोस्ट क्वेश्चन से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैं दावा करता हूँ ये क्वेश्चन सबकी बार आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन से है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण इसमें से कौन सा माना जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा पोर्टल कौन सा है। भाई ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए आप राजस्थान सरकार के ऊपर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप राजस्थान संपर्क, बिल्कुल ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का पूरा नाम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन सबकी बार आपके एग्जाम में दिखने वाला है। ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लॉन्च किया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1 सितंबर 2019 यहां पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। आप इसमें से कौन सा विकल्प सुनेंगे? ऑनलाइन जो रोजगार के ऊपर पंजीयन जो करना चाहते हैं, ऑनलाइन जो रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सुनेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ई मित्र से भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ से क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हटा दीजिए, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NSDL। ये तो क्या, ये तो पैन कार्ड जारी करता है। ये तो कौन क्या जारी करता है, पैन कार्ड। NVSP ये क्या करता है, ये वोटर आईडी जारी करता है। ये कौन सा वोटर आईडी कौन जारी करता है, NVSP। और UIDAI क्या जारी करता है, ये आधार जारी करता है। क्या जारी करता है, आधार कार्ड को जारी कौन करता है, तो UIDAI। जबकि NSDL के द्वारा पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, NVSP का पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है, और UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, PSK का पूरा नाम बताइए। PSK का पूरा नाम बताना, जल्दी से कमेंट करेंगे। PSK यानी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी, भाई सीधी सी बात है, हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वाईफाई की आवश्यकता, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS का पूरा नाम बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा,
जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, बाईं तरफ के अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बाईं ओर से अकेले अक्षर को मिटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। अगर आपको दाईं ओर से पूछा जाए, कभी दाईं ओर से पूछे तो दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। एंटर ये तो क्या करता है, आप न्यू पैराग्राफ दर्ज करवाता है। पैराग्राफ, अगर न्यू पैराग्राफ या न्यू पेज आप दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप एंटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेज ओरिएंटेशन की बात हो रही है, पेज ओरिएंटेशन जो है ना वो किस में उपस्थित होता है, पेज लेआउट के अंदर होता है। इस पेज ओरिएंटेशन से क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो मोड होते हैं दो प्रकार के, वो दोनों के दोनों विकल्प आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कमेंट आप सभी को याद रखना है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ जोड़ने के लिए किस कुंजी, अभी तो मैंने बोला था ना, जल्दी जल्दी बताइए, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एस्केप ये किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता कौन सी की के द्वारा की जा सकती है, तो आपको याद रखना है एस्केप, कौन सी एस्केप कुंजी हो जाती है, कौन सी कुंजी हो जाएगी, एस्केप कुंजी हो जाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पावर पॉइंट में जो पहले से ही एडिट करने पर, देखो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसमें सभी जो बैकग्राउंड की जो तस्वीरें होती है सभी स्लाइडों में एक जैसा आप डिजाइन देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसमें से आप किसका उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इंटरनेट से तो कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी पेंटर आदि से कर सकते हैं, एमएस वर्ड की फाइल का उपयोग करते हुए कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने में प्रयोग में ली जा सकती है। तो सिस्टम के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है, उससे डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है। आप इसमें से ऐसा कौन सा यहाँ पे व्यापार खाता देख रहे हैं जो व्यापार सेटिंग में उपयोग में आता है। तो व्यापार सेटिंग के लिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ईमेल डाउनलोड करने की, निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात होती है, ईमेल संबंधित बात होती है, तो आप पीओपी करके आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और, विंडोज 10 में फाइल फोल्डर्स को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है, फोल्डर लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सभी से एक बार पुनः बोल देता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, सभी विद्यार्थी अपने अपने सेंटर से संपर्क करें और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यानी 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर की बात बिल्कुल दिखने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेगा कि भाई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वही हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आम तौर पर क्या कहा जाता है। तो इसको बर्निंग कहा जाता है। किसका, इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही जल्द यानी तेज गति से मैंने यहाँ पे 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करवाया है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, 7:30 यानी 7 बजे के समथिंग मिलेंगे। उस क्लास को आप अवश्य देखना, क्योंकि उस क्लास के अंदर इसमें से जो रिपीटेशन क्वेश्चंस हो रहे हैं वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डालने की कोशिश की है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो भाई इसके, इसको क्या कह सकते हैं, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो
पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।